हेलो नमस्कार फ्रेंड्स। तो मैं आपका दोस्त लक्ष्मण और आपके मिस्टर लक्ष्मण टेक चैनल में हार्दिक हार्दिक स्वागतम करता हूं। तो दोस्तों, आप लोग तो थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि आज का हमारा वीडियो किस टॉपिक पे है। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो किसी टॉपिक पे नहीं है। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो है कि आप लोग समझ सकते हैं, जो इतना बड़ा चैनल है सोनी सब, जो चैनल आप लोग समझ सकते हैं जिसपे बहुत से वीडियो उस पर आते रहता है, वो चैनल रिलेट हो सकता है तो हमारा भी चैनल डिलीट हो सकता है। मान लीजिए उनका एक गलती का कारण यूट्यूब ने उनका चैनल को डिलीट कर दिया। क्यों कर दिया? उन्होंने क्या गलती किया था? उन्होंने एक सिर्फ गलती किया था, अपने उस चैनल पे कोई फ़ोटो या कोई चीज़ पोस्ट कर दिया था। उस पोस्ट के कारण से यूट्यूब को गाइडलाइन खिलाफ होता है, जो आप गलत कोई भी चीज़ डालोगे अपने चैनल पे आपका भी चैनल डिलीट हो सकता है। तो आपको भी सोच समझ के अब यूट्यूब पे काम करना है, वीडियो बनाना है कि हम क्या कंटेंट डालें कि हमें यूट्यूब को अच्छा लगे, चाहे पब्लिक को अच्छा लगे। ऐसा आप कंटेंट बनाइए कि सबको अच्छा लगे, यूट्यूब को भी अच्छा लगे। गाइडलाइन के खिलाफ कोई आप कंटेंट ऐसा न बनाइए, ना कोई पोस्ट अपने चैनल पे डालिए, जिससे आपको भी चैनल में प्रॉब्लम आ सकता है, आपका भी चैनल डिलीट हो सकता है। तो गाइज, उनका तो चैनल फिर से अभी 2-3 घंटा पहले आप लोग देख रहे थे, यूट्यूब पे सर्च कर रहे थे सोनी सब लिख के, तो वहाँ पे सर्च लिस्ट में उनका चैनल जो नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा? तो उस घड़ी उनका चैनल डिलीट हो गया था। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मैं सर्च कर रहा हूँ उनका चैनल, तो यहाँ पर देख सकते हैं सर्च कर रहा हूँ, तो यहाँ पर सर्च लिस्ट में उनका आ रहा है चैनल। एक ऐसे आ रहा है, पहले डिलीट हो गया था। तो आपको भी यह गलती नहीं करना है कि अपने चैनल पे कुछ गलत चीज़ डालो। ऐसा चीज़ कंटेंट बनाओ कि मतलब सबको अच्छा लगे, सब देखे आपका कंटेंट। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि उनका एक गलती का कारण उनका इतना बड़ा चैनल डिलीट हो सकता है, जो 50 मिलियन से भी ज़्यादा उस पर सब्सक्राइबर है, वो चैनल डिलीट हो सकता है। तो हमारा तो चैनल लाखों है, चाहे कितना भी रहेगा, आपका करोड़ों में रहेगा मिलियन, तब भी आपका चैनल डिलीट हो सकता है। आपको भी गलती नहीं करना है कि अपने चैनल पर कुछ भी डाल दो। आप जिस कैटेगरी के चैनल बनाए हो उस पर वही वीडियो डाले। टेक से रिलेटेड है तो आप टेक ही चैनल बनाए हो तो टेक ही वीडियो डालो। ये नहीं कि हम कहीं से वीडियो उठाए, किसी चीज़ का हम डाल दिए। कोई भी आप कंटेंट अच्छा बनाओ और अच्छा डालो। ये नहीं कि आप किसी का कंटेंट उठा के अपने चैनल पर डाल दिए, चाहे कोई ख़राब वीडियो चाहे पोस्ट डाल दिए, उससे भी आपका चैनल नुकसान में आ सकता है। तो मैं लोग आप लोग से बार बार हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि अगर आप लोग को चैनल चलाना है, यूट्यूब पे बड़ा बनना है, आगे बढ़ना है, यूट्यूब से पैसा कमाना है, तो आप लोग यूट्यूब पे सतर्क होकर काम कीजिए। यूट्यूब पे कुछ ऐसा कीजिए कि यूट्यूब को भी अच्छा लगे और पब्लिक को भी अच्छा लगे। अच्छा कंटेंट बनाइए, इससे आपका चैनल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो चलिए गाइस, आज का बस यही न्यूज़ था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, और साथ ही साथ ही बेल आइकन घंटी को प्रेस कर देंगे, क्योंकि ऐसे ही यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल पे देखने के लिए मिल जाते हैं। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही रहेगा। तब तक के लिए सो थैंक यू, सो वेलकम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।